एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 2 फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। ठीक है, चार पार्ट्स है हमारे पास। सबसे पहले वाले पार्ट को देखते हैं। सबसे पहला पार्ट हमारे पास क्या है, -3 i फाइंड क्या करना है, हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, -3 i सिर्फ इमेजिनरी वैल्यू गिवन है। सबसे पहले हम लेट करते हैं, लेट फर्ज करें अगर आपके पास सिर्फ इमेजिनरी वैल्यू है, रियल नंबर को फिर हम लेट कर लेते हैं 0 -3 i। ठीक है, अब अगर हम मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स फाइंड करना है तो हम इसको z नाम देते हैं, z इज इक्वल टू 0 -3 i। तो हमने मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स फाइंड करना है, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, 1/z इज इक्वल टू 1 वैसे का वैसे ही, z हमारे पास क्या है 0 -3 i। ठीक है, अब इसका कंजुगेट हमारे पास क्या आएगा, 0 + 3 i/0 + 3 i। 0 + 3 i को मल्टीप्लाई करें 1 के साथ, हमारे पास क्या आ जाएगा 3 i/0 को मल्टीप्लाई करें 0 के साथ, हमारे पास क्या आ जाएगा 0² ± -3 i² आ जाएगा। 3 i/0 = 0 - 3^2 = 9 i² की वैल्यू अगर हम लगाते हैं यहाँ पे आ जाएगा -1। सेकेंड स्टेप हमारे पास क्या आएगा, 3 i/(-+9, 3 1 × 3 3 i/(3) हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं हम, सेकेंड वाला पार्ट हमारे पास क्या है, 1 - 2 i। सबसे पहले लेट करते हैं, z इज इक्वल बाय 1 - 2 i। ठीक है, मल्टीप्लीकेटिव ऑफ z क्या आ जाएगा हमारे पास, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स हमारे पास आ जाएगा, z का इनवर्स क्या होता है 1/z इज इक्वल टू 1 वैसे का वैसे ही, ओवर z हमारे पास आ जाएगा 1 - 2 i। इसी को रैशनलाइजेशन करें, मल्टीप्लाई 2 माइनस में या प्लस, सॉरी यहां पे आएगा 1 + 2 i/(1 + 2 i). ठीक है, 1 + 2 i को मल्टीप्लाई करें 1 के साथ, हमारे पास आंसर आएगा 1 + 2 i/(1) को मल्टीप्लाई करें 1 का स्क्वायर हो जाएगा ±-2 i² 1 + 2 i/(1) = 1 -2 = 2 = 4 और यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा, i². ठीक है, 1 + 2 i/(1 - 4 i² की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, -1 1 + 2 i/(1 - -+4 1 + 2 i/(5 हमारे पास सिंप्लीफाई आंसर आ जाएगा। अब देखें -3 - 5 पार्ट नंबर तीसरा है हमारे पास। सबसे पहले लेट कीजिए, z इज इक्वल टू -3 - 5। अब आपने इसको इस तरह खुद सोल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। पार्ट नंबर 4 हमारे पास क्या है, 1 2। सबसे पहले आप इसे इमेजिनरी और रियल नंबर में लिखते हैं, तो सबसे पहले लेट कीजिए, लेट करने के बाद क्या आएगा, z इज इक्वल टू 1, कोई साइन नहीं है तो प्लस का साइन लगाते हैं, +2 i/। ठीक है, अब हमारे पास इसका मल्टीप्लीकेटिव क्या आ जाएगा, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ z, z का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स 1/z, 1/(1 + 2 i), 1 + z = 1 + 2 i, 1 - rationalization किया तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 - 2 i/(1 - 2 i), 1 - 2 i को 1 के साथ मल्टीप्लाई दिया 1 - 2 i, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई दिया iota का स्क्वायर ±-2 i का स्क्वायर 1 - 2 i, 1 की पावर 2 = 1 -4 i का स्क्वायर 1 - 2 i / 1 - 4 - 1 1 - 2 i /
1 minus minus plus 1 is equal to 1 minus 2 iota over 4 1 the 4, यहाँ पे आ गया 5 और यहाँ पे हमारे पास ये आंसर हो गया और हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 के जितने भी पार्ट्स हैं वो कंप्लीट होते हैं। सिंपलीफाई करना है आयोटा 101 को। सबसे पहले देखें आयोटा 101 की कोई वैल्यू है हमारे पास? नहीं, कतन कोई वैल्यू नहीं है आयोटा 101 की, ना ही आयोटा की पावर 4 की कोई वैल्यू है, ना ही आयोटा माइनस 3 की कोई वैल्यू है, आयोटा माइनस 10 की भी कोई वैल्यू नहीं है। तो फिर इसका मतलब क्या है, किस चीज की क्या वैल्यू है? तुम्हारे पास a की वैल्यू गिवन है, आयोटा स्केयर की वैल्यू हमारे पास क्या आती है? माइनस 1। इसको आपने परमानेंटली अपने माइंड में लाजमी याद रखना है, आयोटा स्केयर की वैल्यू हमारे पास क्या होती है? माइनस 1। तो यानी कि 101 को रिलेट करवाना है हमने आयोटा स्केयर से। तो इसका सिंपल वे क्या है, सबसे पहले आप लिखें सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के बाद आयोटा 101। देखें 101 2 के टेबल पे डिविजिबल है? नहीं। तो फिर क्या है, आयोटा 100 इंटू आयोटा लिख सकती हैं, ब्रेक कर सकते हैं 101 को 100 इंटू आयोटा में, ठीक है। देन आयोटा 100 को हम लिख सकते हैं आयोटा की पावर 2 इंटू 50, 50, 2 मल्टीप्लाई बाय 50 इज इक्वल बाय 100 आयोटा, वैसे का वैसे ही। आयोटा स्केयर की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 1 की पावर आ गई 50 आयोटा, ठीक है। अगर आपके पास पावर पॉजिटिव में है तो नेगेटिव साइन पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारे पास 1 इंटू आयोटा और हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, आयोटा, ठीक है। मैं आपको सेपरेट करके लिख देता हूँ एक चीज़, अगर आपके पास माइनस 1 की पावर इवन आ जाती है, जुफ्त आ जाती है, तो इसका मतलब 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, ठीक है। अगर लाइक इस तरह की वैल्यूज आपके पास आ जाती हैं तो ये नेगेटिव साइन किस में चेंज हो जाएगा, प्लस 1 में। अगर आपके पास माइनस 1 की जो पावर है वो ओड में है, ओड मैंने 1, 3, 5, 7 लाइक दिस, तो ये नेगेटिव साइन नेगेटिव साइन में ही रहेगा, ठीक है। अच्छा, सेकंड पार्ट को देखते हैं, माइनस ए आयोटा की पावर 4। सबसे पहले इस माइनस को सेपरेट कीजिए, इसको हम लिख सकते हैं माइनस 1 की पावर 4, देन ए आयोटा की पावर हमारे पास क्या आ जाएगा, 4। माइनस 1 की पावर 4 का मतलब हमारे पास क्या है, देखिए मैंने आपको बताया था अगर आपके पास माइनस 1 के पावर जो है वो जुफ्त में है तो माइनस साइन किस में चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव में, तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1। देन हमारे पास आगे ए की पावर 4 इंटू आयोटा की पावर 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए की पावर 4, आयोटा की पावर को हम ब्रेक कर सकते हैं, आयोटा की पावर 2 इंटू 2, इधर क्या आ गया, ए की पावर 4 इंटू माइनस 1 की पावर स्केयर, तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए की पावर 4 इंटू 1, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, ए की पावर 4। ठीक है, थर्ड वाले को देखें, आयोटा माइनस 3 आयोटा माइनस 10। तो अब हम क्या करें, इन दोनों में से मैं आपके लिए कौन सा करूं जिस पे 10 आएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये वाला करूंगा, ये वाला आप लोगों ने खुद ही करना है, ठीक है। मैं बता देता हूं वो भी कैसे होगा, पहले देखें आयोटा माइनस 3। अब हमारे पास आयोटा माइनस 3 को सिंप्लीफाई करने का एक आसान वे ये है कि हम इसको ओवर की फॉर्म में लिख दें, 1 ओवर आयोटा इधर हो जाएगा प्लस 3, ठीक है। अब इसको ब्रेक कर दें आयोटा स्केयर इंटू आयोटा में, अब आयोटा स्केयर की वैल्यू लगा दें माइनस 1, यहाँ पे लिख दें आयोटा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस आयोटा, ठीक है। अब ये नीचे माइनस आयोटा है, जब ये ऊपर जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस आयोटा, और हमारे पास आंसर भी क्या आ जाएगा, प्लस आयोटा। ये आयोटा माइनस 10, अब आप लोग अच्छे बच्चों की तरह अब इसे खुद करें, नहीं तो मुझे कमेंट कर दें। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 4, प्रूफ करना है जी
कंजुगेट इक्वल टू जी इफ एंड ओनली जी इज अ रियल, यानी कि हमें एक कंजुगेट लेना है, एक जी लेना है, जी और जी का कंजुगेट लेके हमने ये देखना है कि वो हमारे पास रियल वैल्यू आ रही है कि नहीं, या रियल नंबर आ रहे हैं कि नहीं। ठीक है, सबसे पहले देखें जी हम लेट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल जी विल इक्वल टू ए प्लस बी आयोटा एंड इट्स कंजुगेट विल बी ए माइनस बी आयोटा। प्रूफ क्या करना है हमने, जी कंजुगेट इक्वल टू जी, ठीक है, और हमने इसका आंस क्या लाना है जब ये रियल नंबर बन जाए। ठीक है, जी का कंजुगेट हमारे पास क्या है, ए प्लस बी आयोटा इक्वल टू जी हमारे पास खुद क्या है, यहाँ पे है जी कंजुगेट ए माइनस बी आयोटा और जी हमारे पास क्या है ए प्लस बी आयोटा के। ठीक है, हमने इसको रियल नंबर लेके ना, रियल नंबर हमारे पास क्या होते हैं, ऐसे नंबर जिनके साथ कोई आयोटा का साइन ना आता हो। ठीक है, अब देखें अगर हम इस सारी इक्वेशन को जीरो के इक्वल करते हैं तो क्या होगा, ए इधर प्लस ए है, इधर आगे माइनस ए, माइनस बी आयोटा, यहाँ प्लस बी आयोटा, यहाँ आके माइनस बी आयोटा इक्वल टू जीरो। यहाँ पे आके आ गया ए माइनस ए, आपस में कैंसिल, बाकी हमारे पास क्या रह गया, यहाँ पे कॉन्स्टेंट का वन है, यहाँ पे कॉन्स्टेंट का वन है, इट्स मीन माइनस टू बी आयोटा विल इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब देखें हमें क्या करना था, हमें आंस लेके आना है रियल नंबर में, और रियल नंबर का मतलब क्या है कि ये आयोटा ना नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो हम अज्यूम करते हैं कि इन दो वैल्यूज को हम कहते हैं बी विल इक्वल टू जीरो, देयर फोर माइनस टू आयोटा विल नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये इक्वेशंस बन गई। अब देखें अब हमने क्या करना था, जी हमारे पास क्या है, हम लिखते हैं वी नो डैट जी विल इक्वल टू ए प्लस बी आयोटा। ठीक है, अगर हम ऐसा करें, ये b की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, जीरो, अगर हम पुट करते हैं z इक्वल टू ए प्लस b की हमारे पास वैल्यू क्या आई है, जीरो आयोटा, z a प्लस आयोटा को मल्टीप्लाई किया जीरो के साथ, हमारे पास आंसर क्या आ गया आयोटा, और हमारे पास z की वैल्यू क्या आ गई a, जो कि हमने प्रूफ क्या करना था रियल नंबर में, और z की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई a।